अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हम आए हुए वैम्पायर कैफे, डैडी ने आपको दिखाया होगा तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी दिखाता हूँ, अपने गाइस को थोड़ा खुश करते हैं। तो ये देखिए आप, ये वैम्पायर की तस्वीर लगी हुई है, हर क्वेश्चन के ऊपर वैम्पायर की तस्वीर है। वाओ, वैम्पायर की एक और तस्वीर मिल गई भाई, वंडरफुल जनाब। तो ये वैम्पायर ड्रिंक आ चुकी है। अस्सलामुअलैकुम। तो हम आ गए वैम्पायर कैफ़े और ये मेन इत्तेहाद का रोड है और ये सामने इसका क्लॉक, ये क्या है, क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर से मेन इत्तेहाद रोड है। क्लॉक टावर से मेन इत्तेहाद रोड है, 36 स्ट्रीट है और मेन डिफेंस पे 16 कहलाएगा और ये इसका रेस्टोरेंट है। ठीक है, ये आउटडोर है, चलें इंडोर चलते हैं और इंडोर आपको दिखाते हैं, ये आउटडोर भी पूरा। ये हम बेसमेंट पे आ चुके हैं, आगे हमारे फैमिलीज बैठी हुई हैं। तो ये इसकी देखें, शानदार इन्होंने लिखा हुआ है वैम्पायर वाइफ्स और ये देखें, ये ड्रोना से एक शक्ल बनाई हुई है, ये खोपड़ी बनाई हुई है और फुल हॉरर। ओ वाह, इधर तो जनाब यहाँ पर तो पूरा सीन ही क्रिएट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। वाह जी, क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। वैम्पायर से एक रेस्टोरेंट कराची DHA इत्तेहाद रोड पर बना हुआ है। तो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच गए हैं क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी था और कुछ रास्ता भी हमारे को नहीं पता था, तो गूगल की मदद से हम यहाँ आ गए। तो 26 स्ट्रीट के ऊपर है, DHA फेज 6 के अंदर। ये बड़ा हॉरर सा बनाया हुआ है, क्या शानदार इसकी डिज़ाइनिंग इन्होंने करी है, देख सकते हैं आप। तो चलें जी, लेट्स सी इनका मेन्यू देखते हैं, क्या स्पेशल है क्या नहीं है। बर्गर्स इन्होंने बताया ऊपर घुसते ही, मैंने पूछा था क्या स्पेशल है, तो इन्होंने बोला बर्गर यहाँ का बहुत स्पेशल है, बीफ वैम्पायर बर्गर है। तो ये इसका सिटिंग एरिया है। तो ये बेसमेंट के अंदर आए हैं, ऊपर भी बैठने की जगह है, ऊपर हम नहीं बैठे, ये हम बेसमेंट के ऊपर आए हैं। बेसमेंट में ज़रा फैमिली का अच्छा इंतज़ाम है, तो लेट्स सी देखते हैं और फिर आपको रेट भी शेयर करते हैं। और व्यू तो आप देख ही रहे हैं, शानदार सा है। तो बाहर का भी मैंने कुछ व्यूज़ लिए थे, ये वैम्पायर की तस्वीर लगी हुई है, हर क्वेश्चन के ऊपर वैम्पायर की तस्वीर है। वाओ, वैम्पायर की एक और तस्वीर मिल गई भाई, वंडरफुल, क्या बात है। वैम्पायर तो मिले नहीं, वो मेरे ख्याल में आज आए नहीं है। चलो, वैम्पायर नहीं मिले तो क्या हुआ, उनका रेस्टोरेंट हमें मिल चुका है, हॉरर रेस्टोरेंट, हॉरर कैफ़े। तो वैम्पायर हॉरर कैफ़े में इस टाइम हम मौजूद हैं। चलें जी, कहीं मत जाइएगा, जिस जिस दोस्तों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो एंड तक देखें और कमेंट दें, और अगर नहीं अच्छी लग रही तो भी कमेंट दें, बताएं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे जी। चले बैठते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हम आए हुए वैम्पायर कैफे, डैडी ने आपको दिखाया होगा तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी दिखाता हूँ, अपने गाइस को थोड़ा खुश करते हैं। तो ये देखिए आप, आज कुल क्या होता है, हमने कहा वैम्पायर भाई से भी क्या होता है थोड़ी मुलाकात करें, पर यहाँ पे तो वैम्पायर भाई है ही नहीं, पर हम उनके कैफ़े पर आए हुए हैं तो मैंने बोला आपको भी दिखाते हैं हम उनका कैफ़े कैसा है, आप भी आए विज़िट करें। जनाब तो खाना आ चुका है हमारा, जिंगर एक ऑर्डर किया था उस्मान ने और ये वैम्पायर बीफ बर्गर स्पेशल है यहाँ का, बड़ा ही एक एंटीक के स्टाइल में ये लोग दे रहे हैं खाना, ये ब्रिक के इसके अंदर, वाओ अभी ब्रिक के इसके अंदर ला रहे हैं और ये अगरबत्ती जला के मोमलाइट। अच्छा, वैम्पायर ड्रिंक भी ले आए थे, कितना यूनिक सा इन्होंने स्टाइल निकाला है। और देखें कैसे इन्होंने ये देखें हरी मिर्च लगाइए, और ये तो देखिए, ओ वाह,
ये देखे जनाब वैम्पायर पूरी बाल्टी बनाई हुई है। बहुत अच्छा स्टाइल है जनाब। तो ये दो बर्गर आ गए हैं, उस्मान का भी आ गया है, मेरा भी आ गया है। उस्मान की ट्रक नहीं आई है, आई थिंक, है ना? ये इसमें आता था, ये नहीं बना हुआ था, इसलिए तो पहले खाने को लिया है मेरा। जनाब तो ये वैम्पायर ड्रिंक आ चुकी है, तो बड़े ही अच्छे स्टाइल में इन्होंने भाई प्रेजेंट किया है, ये बहुत ही लवली स्टाइल में। ठंडा फुल मज़ा आया मुझे यार, वो एक सेवन अप की कोल्ड ड्रिंक लेना। सेवन अप आठ सौ रुपये का बर्गर है और नो डाउट टेस्ट इसका एंड है। तो हमने जितना सफ़र किया, हमारे बच्चे को बहुत शौक़ था जनाब वैम्पायर से मिलना है, तो वैम्पायर तो यहाँ मिले नहीं हमें, उनका रेस्टोरेंट मिल गया हमें। और हमने बर्गर इनका ऑर्डर किया, स्पेशल बीफ बर्गर जो कि 800 रुपए उसकी कीमत है और बहुत ही वंडरफुल टेस्टी है। अच्छा लोकेशन इसकी बहुत ईजी है, समंदर के सामने, ये क्लॉक टावर है ना सामने, ये सामने क्लॉक टावर के सामने बिल्कुल सामने एक डबल रोड है, उधर उस रोड पे आएंगे तो उसे उसी रोड पे आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। ये मेन इत्यादि रोड है, 36 नंबर स्ट्रीट है। अच्छा मेन इत्याद रोड है, ये भाई बता रहे हैं ये यहाँ पे वेटर है। हाँ भाई आप यहीं पे होते हैं? जी जी मैं यहीं पे होता हूँ, 36 नंबर स्ट्रीट है, मेन इत्याद रोड है, 36 नंबर स्ट्रीट है और मेन इत्याद का रोड है, फेज 6 कहलाएगा, सही है। तो आप सिंपल एड्रेस जाने, फेज 6 और मेन इत्याद रोड और 26 स्ट्रीट के रोड के ऊपर ही आपको ये मिलेगा। बहुत ही कमाल का इनका फैमिली एरिया बिल्कुल बेसमेंट पे बना हुआ है, आउटडोर एरिया भी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इनकी पसंद आई है, ब्रीफ केस देखें जनाब, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट चीज़ ये लेके आए हैं, बड़ा यूनिक सा इन्होंने जनाब कैंडल्स लगाए हुए हैं और एक हॉरर सा भी इन्होंने दिया हुआ है और बच्चों के लिए बहुत एंटरटेनमेंट चीज़ है। तो जो लोग कराची में रहते हैं सो प्लीज़ इधर आएँ और खाएं। मोहम्मद उस्मान का वैम्पायर जूस भी आ गया जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और बहुत मज़ा आया। पर आपको चल के बाहर से भी व्यू दिखाते हैं, बहुत रिजनेबल प्राइस हैं, तो प्लीज़ ट्राई करें और मज़ा आ गया जी। जी तो ये अब हम जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप इसकी एंट्रेंस, ये थी ये बाहर का एरिया है, बेसमेंट थी।